हे गाइस, आज हमारा फर्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो है। तो आज हम एक रीको इंडस्ट्री आके मतलब ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ पर जाकर देखेंगे किस किस चीज़ की फैक्ट्रीज है वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं काटेंगे हम आपका। तो लेट्स स्टार्ट इट। एंटर कर चुके हैं, पीछे मेरा देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है पीछे, तो हम एंटर कर चुके हैं। तो रीको इंडस्ट्री एरिया में एंटर करने से पहले आपको बता दूं, देखो यहाँ पे एक विद्युत विभाग भी है, तो उसका भी बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है बिजली घर, यहाँ का छोटा मिनी बिजली घर भी बोल सकते हैं आप इसको। और यहाँ पर कुछ अलग अलग फैक्ट्रियाँ ऐसे हैं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के घर पर, वहाँ जाके मैं अपना ब्लॉग उसको लेके फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। फिर आपको सारी फैक्ट्रीज के बारे में बताऊँगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और क्या क्या बनता है फैक्ट्रियों के अंदर। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहुँच जाते हैं अपने फ्रेंड के घर पर। ये मेरा फ्रेंड है। तो गाइस आज हम अभी कंटिन्यू करते चलो अपने ब्लॉग को। तो गाइस देखा कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सा बैठ। अरे ये पहली फैक्ट्री स्टार्ट होती है, इसका क्या नाम भाई? इसमें मतलब पीपल होते हैं छोटे छोटे, वो बनाए जाते हैं। बच्चा डोला है, बच्चा घूम रहा है यहाँ पर। तो जहाँ से देखिए यार काफ़ी शानदार रोड है यार। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग तरह की फैक्ट्री है। देखो अभी एक बन रही है यहाँ पर भी एक, ये थोड़ा जंगल टाइप का एरिया यार, काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्री बन रही है। और गाइस आपको एक चीज़ दिखी, मैं आपको दिखाता हूँ, जूमिंग करके दिखाता हूँ। जो फैक्ट्री के ऊपर जो गोल गोल घूम रहा है, आपको देखा क्या? पता नहीं क्या है वो। चलो अभी थोड़ा एक पोज करता हूँ। तो गाइस देखिए आगे कंटिन्यू कर लिया हमने। अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक एक मतलब एक एक फैक्ट्री के अंदर तो जरूर जाएंगे। यहाँ पर गाइस अलग अलग तरीक़े की फैक्ट्री होती हैं, और जो फैक्ट्री का ये 2 एकड़ 3 एकड़ इसमें फैली हुई होती हैं। मतलब ये पहले फैक्ट्री आगरा में हुआ करती थी। देखते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे जो लोहे के जो पिलर बनाए जाते हैं ना, पिलर में जो सरिया लगता है, ये उसकी फैक्ट्री है। यहाँ पे अलग तरीके से सरिया बनाए जाते हैं। तो अभी आगे तो यहाँ से छोटे छोटे शॉप से आ गई हैं, आगे वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सीमेंट की ईंट बनाई जाती है, आपको दिखाई रखा होगा। काम चालू है लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे। गाइस यार आप देख सकते हैं वेदर काफ़ी मस्त हो रहा है यार, वेदर के तो क्या कहने। तो यहाँ पे देखिए कुछ ख़राब ट्रक खड़े हुए हैं, जी शायद आई थिंक मिल्क की फैक्ट्री है ना, मिल्क बनता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ मिल्क की फैक्ट्री है, धौलपुर का बहुत अच्छे मतलब ब्रांड का मिल्क बनता है यहाँ पे। और श्री गुरु कृष्णा इंडस्ट्री, और इस साइड आप देख सकते हैं, इस साइड अच्छा हाँ यहाँ पे एक खाद बनाई जाते हैं जो खेतों में डालते हैं ना, खाद यूरिया खाद, ऐसे खाद बनाए जाते हैं यहाँ पे। काफ़ी साउंड निकल रहा है वहाँ से, तो लगता है काम चालू है, लॉकडाउन में भी काम चालू है यार। और ये लोहे की फैक्ट्री है, यहाँ पर लोहे के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं गाड़ियों में मोटर्स में फिट होते हैं ना, वो वाले पार्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल फैक्ट्री है यार, कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका मुझे। यहाँ पे आलू वाला कॉयल बनाया जाता है। हाँ तो गाइस यहाँ पे आलू का कोल्ड बनाया जाता है, सॉरी मैंने वाइस गलती कर दी थी। आलू को यहाँ पे मतलब रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है ताकि आलू ख़राब ना हो। इसमें काफ़ी अच्छी एसी मतलब फिल्टर होती हैं ताकि आलू ख़राब ना हो। यहाँ पर कुछ जेसीबी की खुदाई चालू हुई है, देखिए गैस मिलती नहीं है देखने के लिए, जेसीबी की खुदाई आज हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यार मैं बहुत थक गया था पैदल पैदल चलते चलते, तो मेरे फ्रेंड ने बाइक पर बिठा लिया है,
तो हम यहाँ आगे कंटिन्यू बाइक पे बैठ के करेंगे, ठीक है? आपको स्लो स्लो बाइक सब कुछ दिखाते आएंगे। ये फैक्ट्री किसकी है? दूध वाली फैक्ट्री, इसमें की बनता है? यहाँ ये दूध वाली फैक्ट्री है, पालीवाल है ना ये? हाँ, इसका नाम पालीवाल फैक्ट्री है। इसमें आपको नाम नहीं सुना होगा, इसमें दूध बनता है, दूध के मतलब घी बनता है। बहुत ही बहुत अच्छी क्वालिटी का घी होता है, देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है यार, और इस साइड देखिए काफ़ी अच्छे पार्क बनाई हुई है। ठीक है, सीधे वही स्टोर है, मैंने दिखाया था आपको। मतलब बिजली घर के लिए मैंने दिखाया था ना, उसके लिए पानी यहाँ से आता है, ये उसका वाटर टैंक है। आई थिंक इसमें एक मिनी बिजली घर भी है, देखो सामने दिखाया है, देखो एक और बिजली घर है यहाँ पर। यहाँ पे आलू रखे जाते हैं, आलू को सुरक्षित किया जाता है। मतलब जो किसान आलू उगाते हैं वो इसको यहाँ पे आके रखते हैं ताकि आलू सुरक्षित रहे। हाँ, क्या ग्रीन ग्रीन गाइस, और ये देख सकते हैं ये शूज की फैक्ट्री है। यहाँ पे जूते बनाए जाते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के और ब्रांड के जूते बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको परचेज भी करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आप परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा आपको शूज। और सामने आपको दिख रहा होगा वो ग्रीन जोन एरिया, वहाँ पे यार पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। आई थिंक नर्सरी बोल सकते हैं आपको, नर्सरी है। ये वाटर प्लांट यहाँ पे और मतलब पानी सप्लाई होता है, जो होता है ना बिस्लेरी का पानी, वो जहाँ से निकलता है, सारा का सारा पानी यहीं से निकलता है। ये वाटर टैंक, वाटर प्लांट। पर यार कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, प्रदूषण बहुत होता है यार। देख, आप देख सकते हैं आपके सामने तेल निकल रहा है, धुआं, काला धुआं होता है, वो निकल सकते हैं। ठीक है गाइस, क्या खूबसूरत है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ पे यहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लट्ठे बनाए जाते हैं, जो कि प्लांट बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक न्यू फैक्ट्री खोल रही है, प्लांट है, एक तरह का प्लांट बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लट्ठों से देखो डिजाइन की जा रही है इसकी, पूरे चारों ओर लट्ठों से मतलब डिजाइन की जा रही है बहुत अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर काम चालू है, वर्कर्स लगे हुए हैं, अपना अपना काम बखूबी तरीके से कर रहे हैं। इतनी गर्मियों में भी चल रहा है। और ये वो कोल्ड स्टोरेज है यहाँ पर भी आलू रखे जाते हैं। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की कमी नहीं है, जहाँ भी जाओगे ना वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज मिलेगा ही मिलेगा आपको। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, सामने आपको बंदर दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बंदर। आई थिंक भाग ना जाए। और गुरु जी क्या हाल है? भगाड़े भगा 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 फोन छीन के भाग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सोसाइटी बन रही है गाइस, अब इसका आज काम चालू है। मतलब ये आइस फैक्ट्री है, यहाँ पे बर्फ निकली आती है। यहाँ पे आपको ज़रूरत हो तो आप बर्फ़ निकाल सकते हैं जी। यहाँ पे एक सदर थाना है, पुलिस स्टेशन है मतलब। ऑफिस है यहाँ पे, जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं वो यहाँ पर ही बनते हैं सारे के सारे। ये देख सकते हैं गाइस, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं। यहाँ पे एक मिनी धोकर भी बना रखा है यार लोगों ने। हमने ब्लॉग कंटिन्यू कर लिया, कुछ काम था जी। एक और एक आइस फैक्ट्री है, यहाँ पर भी बर्फ बनाई जाती है। ये एक और यहाँ पर ईंटों की फैक्ट्री है, यहाँ पर ईंट बनाए जाते हैं। बकरियाँ सारी छोटी छोटी
वैसे आज कुछ यार एक अच्छी तो आज आज मौसम बहुत अच्छा है देख ले यार यहाँ पे एक नमकीन बनाई जाती है खट्टी मीठी बहुत अच्छी अच्छी नमकीन होती है वो यहीं पर बनाई जाती है आपको दिख रहा है ये फैक्ट्री वाली फैक्ट्री है ये है यहाँ पे केलों की फैक्ट्री जो केले होते हैं उनको यहाँ पे पकाया जाता है कार्बोनेट से पकाया जाता है आई थिंक ये टाइल्स का है यहाँ पे टाइल्स टाइल्स यहाँ पे ग्लव्स बनाए जाते हैं मुझे पता नहीं था मैंने अपने फ्रेंड से पूछा वो वाली फैक्ट्री पीछे यहाँ पे हाथों में पहनने वाले जो ग्लव्स होते हैं ना वो यहीं पर बनाए जाते हैं देखिए पर आइस इंडस्ट्री यहाँ पर भी बर्फ बनाई जाती है और यहाँ पे आपको टाइल्स मिल जाएंगे हर प्रकार की मतलब जो भी घर में लगने वाला काम होता है वो जब यहीं से लेके जाते हैं सारे के सारे बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स मिलती है मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगा यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं फ्रेंड का खेत है पहले को बाजरा हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी छोटी फसल है देख सकते हैं अभी आप बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे मतलब रुकने के लिए जब गाय पाय आ जाती हैं तो यहाँ पे रुकने के लिए एक छोटा सा कुटिया बनाई हुई है अपनी देख सकते हैं गाइस मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा सामने कुआ भी है इस कुएं से मतलब इस पानी की सिंचाई चलो मैं आपको कुएं भी दिखाता हूँ देखिए गाइस जिसको कुआ है यहाँ से पानी देखो कैसा ग्रीन कलर का पानी है यहाँ से इसको सींचा जाता है